एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें नियंत्रित करने की क्षमता हमारे में रहेगी, क्या हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा। ये सब जानने के लिए हमें कुंडली का विश्लेषण जब करते हैं तो जातक कुंडली में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका बृहस्पति कैसा है, चंद्रमा कैसा है, सूर्य कैसा है। अगर ये तीनों ग्रह कुंडली में मजबूत होंगे और उसके भाव मजबूत होंगे तो जातक को पद प्रतिष्ठा तथा नेतृत्व करने की क्षमता मिलती है। तो हमने जाना कि हम कुंडली में अगर गुरु, चंद्र और सूर्य योग कारक हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो, सौराशि में हो, मित्र राशि में हो और उनपे सभी ग्रहों का ही प्रभाव हो तो जातक को अपने जीवन काल में जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा पतित्व दशा चलेगी तो नेतृत्व करने की क्षमता मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। तो हमने जाना कि कैसे हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हम नेतृत्व करने की हमारे में क्षमता है या नहीं तथा हमें पद प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर हसूलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है chaure.blogspot.in तथा जीमेल एड्रेस hoshi.chaure@gmail.com तथा मोबाइल नंबर 9893234। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को भी बताइए। धन्यवाद।